नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। कोरोना वायरस की जो महामारी से पूरी दुनिया जो है जिस तरीके से त्रासदी झेल रही है, खासकर दूसरी लहर में भारत के लोगों ने जो दुख और पीड़ा देखा, उसमें सबसे ज़्यादा जो मई का महीना रहा वो काफ़ी दुखदायी रहा। इसलिए कि उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने किसी खास को खोया, और ये महीना ऐसा रहा है कि भारतीयों को सबसे ज़्यादा रुलाया। हालांकि यहाँ केस जो है पूरे, अगर मई की हम बात करें तो 88 लाख जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोग संक्रमित हुए, लेकिन वहीं मौत का जो आंकड़ा रहा वहाँ 1 लाख लोगों की मौत हुई केवल 2021 में मई में। तो ये महीना हर तरह से जो है लोगों के लिए दुखदायी रहा। हालांकि ये आंकड़े जो है अलग अलग पर अलग अलग तरीक़ों से है, सरकारी आंकड़े से वास्तविकता अभी भी भिन्न है। तो ये महीना जो है भारतीयों के लिए काफ़ी जो है कहीं ना कहीं दुखद रहा। क्या है आंकड़े, हम आपको उसको बताते। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान केवल मई के महीने में कोरोना संक्रमण के जो केस रहे 88,82,000 मामले रिपोर्ट हुए। अब तक देश में संक्रमण की जो केस दर्ज हुई सरकारी आंकड़े के अनुसार 2.80 करोड़ के मामले हैं, जिसमें से 31.6% हैं। ये कहा जा सकता है कि महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला महीना, जैसे हमने बताया, ये मई रहा। पीटीआई जो समाचार है, एजेंसी है भारत सरकार की, उसके मुताबिक मई में कोरोना संक्रमण के कारण 1,17,247 लोगों की जान चली गई, इस सरकारी आंकड़े हैं। मई और मई में मरने वालों की संख्या कुल आंकड़ों का 35.63% रहा, बहुत ही काफ़ी 35% के बाद, जहां हम बात करते थे कि मृत्यु दर हमारे यहां 2%, 3%, और वहां मई में जो है 35% के आसपास में रहा। 7 मई को महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए, और उस दिन से लेकर 414,188 केस दर्ज किए। 19 मई को कोरोना के कारण रिकॉर्ड संख्या में 4,529 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। ये हम इस 2021 की बात कर रहे हैं। हालांकि 17 मई के बाद से रोज़ रिपोर्ट होने वाले मामले में 3 लाख कम रहे हैं, और 4 दिनों से हर रोज़ 2 लाख से कम मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 10 मई को देश में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या उच्चतम स्तर पर था, जब 3,74,523 तक पहुंच गया था, जो एक्टिव केसेस एक दिन में मिल रहे थे सबसे ज़्यादा 17 मई को। सोमवार सुबह 8 बजे जो जारी किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 1,52,734 मामले रिपोर्ट हुए थे, और पिछले 50 दिनों की सबसे कम संख्या थी। ये फिलहाल सक्रिय मामलों का जो है कम होकर अब जो है आपके आ गए हैं 20,26,092 हो गई है। इस तरीके से जो मई हमारे लिए, एक भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी ही दुखद और सबसे ज़्यादा रुलाने वाला मई महीना रहा, अगर आंकड़ों की हम बात करें। और इस तरह की त्रासदी दोबारा ना देखना हो, इसलिए हमें अभी भी एहतियात बरतना होगा। और दुखद यह है कि ज़्यादातर लोगों की मौत जो है, जिस तरह की व्यवस्था है, ऑक्सीजन नहीं मिलने से, अस्पताल नहीं मिलने से, और सही से उन केयर जो है नहीं होने के कारण लोगों की हुई। आपने देखा सड़कों से लेकर कार तक किस तरीके से लोग जो है अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तो कोरोना ने कम मारा, लेकिन व्यवस्थाओं की वजह से बहुत लोगों की मौत होगी, जो समय पर सुविधा नहीं मिलने के कारण ऐसी हालात हुई। धन्यवाद।